हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों, डेली न्यूज़ सिमान जलसों में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज है 21 जुलाई 2019। तो आज की सिमान जल से पूरे बिहार की टॉप 20 न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जानी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई 2019 के बाढ़ पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राहत के लिए डीबीटी के जरिए सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की शुरुआत की है। पहले चरण में बाढ़ग्रस्त जिलों में 3,23,329 परिवारों के खाते में सीधे 181,39,74,000 रुपए भेजे गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को 6,000 रुपए देने का फैसला किया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में ऐसे भी परिवार हैं जो सरकारी योजनाओं से अनजान हैं। पथ निर्माण विभाग ने बिहार के 11 जिलों की सड़कों की मरम्मत के लिए 265 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं के तहत 76 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ साथ 4 उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि जिन जिलों की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है उनमें से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, लखीसराय, सहरसा, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, मधेपुरा, बांका और भागलपुर शामिल है। सुपौल में राहत सामग्री से वंचित बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। राहत सामग्री से वंचित हररी पंचायत के दानापुर गांव के बाढ़ पीड़ितों ने 4.5 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किशनगंज ब्लॉक में 22 जुलाई से शुरू होने वाले खसरा रुबेला टीकाकरण को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से पोस्टर का विमोचन किया गया। इसमें ब्लॉक में 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के बाद होने वाले फायदा के बारे में बताया गया। अररिया जिले में बाढ़ पीड़ित परिवारों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे का दौर यहां तक बढ़ गया कि जनप्रतिनिधियों पर कीचड़ भी उछाला गया। बताया जाता है कि अररिया में पूरे प्रखंड को बाढ़ राहत क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसमें हजारों लोग अररिया के कुर्साकरा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि अंचल अधिकारी 4 पंचायत को पूर्ण और 5 पंचायत को आंशिक बाढ़ प्रभावित घोषित किया, जबकि पूरा प्रखंड बाढ़ से तबाह हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में डॉक्टरों की बहाली के नियम में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर डॉक्टरों का चयन किया जाएगा, साथ ही डॉक्टरों की बहाली अब तकनीकी चयन के जरिए होगा। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी जाएगी। डॉक्टरों को अब साक्षरता नहीं देना होगा, अंक के आधार पर राज्य सरकार के अधीन उनकी नियुक्ति होगी। स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर अब स्वच्छ बिहार मिशन चलेगा। एनजीटी की शक्ति के बाद बिहार सरकार नया प्रयोग कर रही है। अंतर इतना है कि केंद्र सरकार साल में एक बार शहरों की रैंकिंग जारी करती है, वहीं बिहार में हर महीने स्वच्छता रैंकिंग जारी होगी। 8 मानकों को हर शहरी निकाय को परीक्षा देना होगा जो 100 नंबर की होगी। कूड़ा कलेक्शन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक और शौचालय निर्माण से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक इसमें शामिल है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र जारी है और शुक्रवार को कार्रवाई संपन्न होने के बाद अब मात्र 5 दिन ही बचा है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब भी गायब हैं। वे पूरे मानसून सत्र के दौरान मात्र 1 घंटे की ही उपस्थिति दर्ज कराई है। दरअसल ये मौका ऐसा था कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद अपने आप को हौसला देते और मुख्य धारा की राजनीति में वापस ला सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। राजनीतिक जानकारों के अनुसार वह इस मौका को गंवा चुके हैं। बिहार सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों का तबादला किया है। बदले गए सभी अधिकारी डीएसपी रैंक के हैं। शुक्रवार को गृह विभाग ने तबादला की अधिसूचना जारी कर दी है। बांका के बेलहर कटोरिया मुख्य मार्ग पर जलेबिया मोड़ और बीजी खोरबा के बीच कावड़ियों से भरा ऑटो पलट गया। हादसे में 7 कावड़ियां जख्मी हो गए, जिसमें से 5 कावड़ियों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद सभी कावड़ियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिहार के बेगूसराय जिला में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। सुबह सुबह बेगूसराय पुलिस ने जिला के टॉप 10 अपराधी लक्ष्मण सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि पिछले 1 महीने से लक्ष्मण सहनी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही थी। बिहार के सासाराम जिला में मनचलों ने चलती बस में एक युवती से छेड़खानी की कोशिश की है। जब इसका विरोध उसका पति ने किया तो बदमाशों ने रॉड से उसकी जमकर पिटाई की है। इस घटना में घायल हुए महिला के पति को सासाराम अस्पताल में भर्ती कराया है।
बिहार में बाढ़ की समस्या विकराल होती जा रही है। बाढ़ के तांडव में राज्य भर में अब तक 138 लोगों की जानें चली गई है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो आपदा प्रबंधक विभाग के मुताबिक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 92 हो गई है। राज्य के 12 जिलों में 102 प्रखंडों के 1107 पंचायत बाढ़ग्रस्त हैं, जबकि 66 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। 131 राहत शिविरों में 1,14,721 लोग रहने को विवश हैं। 1,032 रसोई से लोगों को भोजन दिया जा रहा है। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिला में सबसे ज्यादा लोगों की जाने गई है। बाढ़ से पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा लगभग अब तक 37 लोगों की जाने चली गई है, जबकि सीतामढ़ी में 23 लोग, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी में इन तीनों जगहों पर बाढ़ से 14-14 लोग मरे हैं। दरभंगा में बाढ़ से 11 लोगों की जाने गई है, जबकि शिवहर में 10 लोगों के मरने की खबर है। बिहार के समस्तीपुर जिला में 5 बच्चे डूब गए हैं, जिससे 5 बच्चों की जाने चली गई है। ये बच्चे चिमनी के गड्ढे में नहाने गए थे, जिससे बच्चों के घर में कोहराम मच गया है। ये घटना समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिश्नपुर की है। बिहार में मॉब लिंचिंग की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब हाजीपुर में हिंसक भीड़ ने चोरी का आरोप लगाकर एक महिला को निर्वस्त्र करके उसके पति के सामने खूब पीटा। पति ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने महिला को चोर कहते हुए उसे सड़क पर घसीटा गया। फागू चौहान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वह उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़ा पिछड़ा चेहरा माना जाता है। वह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी विधानसभा क्षेत्र से 6 बार जीतने वाले एकमात्र विधायक हैं। फिलहाल अभी वह वहीं से विधायक हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या विकराल होती जा रही है। कई जिलों में मुआवजा की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों में प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामला कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड में राहत सामग्री नहीं मिलने पर बाढ़ पीड़ितों ने पानी में लेटकर अनोखा प्रदर्शन किया। नेपाल में बारिश कम हुई तो उत्तर बिहार की नदियों की रफ्तार भी कम हो गई है। अधिकतर नदियों की जलस्तर में कमी आने लगी है, इससे विभिन्न इलाकों में फैला बाढ़ का पानी भी कम होने लगी है। हालांकि अभी भी 8 बड़ी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इनमें बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलन, कोसी, अधवारा, फरमान, खिरोई और महानंदा नदी शामिल है। हालांकि नेपाल में यदि बारिश तेज हुई तो नदियों के जलस्तर में भी तेजी हो सकती है। मधेपुरा जिला में चौसा उदा किशनगंज स्टेट हाईवे 58 पर मुरली चौक के पास दोपहर लगभग 12:30 बजे बेखौफ बदमाशों ने एक CHP संचालक से 2.25 लाख रुपए लूट लिए हैं। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची चौसा पुलिस ने मामले की जांच भी कर रही है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे KDB लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।